प्रणाम। आज के युग का बहुत ही प्रमुख प्रश्न कि डेली स्ट्रेस को कैसे रोके। तो स्ट्रेस को नहीं आप रोक सकते, स्ट्रेस को आपने लेना कैसे है, उससे गुजरना कैसे है, कि वो तो स्ट्रेस तो हमारी परीक्षा होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रेस जो आता है, तनाव आता है, दबाव आता है, वो हमारी क्षमता को टेस्ट करने आता है। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि इससे हम कैसे निकलें, कैसे अपने में वो शक्ति जगा लें, क्षमता जगा लें कि हम स्ट्रेस को स्ट्रेस नहीं माने। प्रणाम जो हमेशा बहुत प्रमुखता से कहता है एक बात कि हमको शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिन शब्दों को हम बार बार दोहराते हैं, हमारे साथ वही हो जाता है। अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं, राम राम कहते हैं तो आराम हो जाता है। तो शब्द में ही हमारी समस्या का हल छिपा है। ये स्ट्रेस नहीं है, ये टेस्ट है, मुझे चुस्त करने के लिए आया है, मुझे कोई नया समाधान देने के लिए आया है, नया ज्ञान देने के लिए आया है और कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए आया है। तो सबसे पहले तो हमको तीन स्तरों पर जाना है, शरीर, मन और आत्मा। शरीर में कोई कमी तो नहीं जो हम स्ट्रेस नहीं उठा पा रहे? उसके लिए आप अपना पूरा चेकअप कराएं, अपने खान पान का ध्यान रखें और अंदर कोई रसायन की कमी है तो उसको पूरा करिए। दूसरा, मानसिक। हम अपने को मानसिक रूप से इतना थका लेते हैं कि स्ट्रेस आया, तनाव बढ़ा तो हम उसके बारे में सोच सोच के और तनाव बढ़ा लेते हैं। उसको रिप्लेस कर लीजिए, उस शब्द को किसी और शब्द से बदल लीजिए। स्ट्रेस आया है, कोई बात नहीं, मैं नया क्या कर सकता हूँ। नए विचारों में जाइए, अपने को अनुभव करें कि नई ऊर्जा से आप भरे जा रहे हैं और अनावश्यक उस स्ट्रेस के बारे में सोच सोच के उसको एंटरटेन ना करें। जैसे कोई गेस्ट होता है ना, उसको आप खूब अच्छी तरह से खातिर वातिर करो तो वो आपको क्यों छोड़ के जाएगा। तो आपने स्ट्रेस घुसा लिया और उसके बारे में आप सोचे जा रहे हैं। पहली बात समर्पण, कि जिसने स्ट्रेस दिया है वो मेरी क्षमता जानता है कि मैं इससे निकल आऊँगा, तो मुझे इससे कैसे निकलना है मैं इस पर ध्यान दूँ। इस पर नहीं ध्यान दूँ कि मुझे स्ट्रेस हो गया है, ये तो मेरे लिए बड़ा कष्टकारी है, ये तो मेरे लिए बहुत मुझे पीड़ा दे रहा है। नहीं, स्ट्रेस मेरा टेस्ट है, स्ट्रेस मेरी क्षमता टेस्ट करने आया है। स्ट्रेस को मैं एक पासिंग फेज की तरह लूँगा, आया है और ये निकल जाएगा, ये रहने के लिए, टिकाने के लिए मैं इसके बारे में अधिक नहीं सोचूंगा। तो ये तो मानसिक रूप से तैयारी, और ये आत्मिक रूप से ये गहन बात है। अगर हमें डर होता है, भय होता है कि हमारी नौकरी नहीं छिन जाए या हमारे साथ ये बुरा ना हो जाए, हमें मालूम नहीं होता हमने कितने भय अपने अंदर पाल रखे हैं, या कोई कुंठा होती है कि अरे हम ये ऐसे कर लेते वैसे कर लेते तो ठीक होता, तो फिर हमें स्ट्रेस ज़्यादा सताता है। तो इसके लिए जैसे मैं शुरू से प्रणाम में आपको बताती आई हूँ कि रात को या कभी भी अपने को पूरा संयत करके एकदम शांत मुद्रा में बैठ के ब्रीदिंग, गहरी सांस, आने जाने वाली सांस आपकी सम हो जाए, तो जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है उसको श्वास द्वारा बाहर फेंके। इसको प्रभु मैंने बाहर डाल दिया, तुझे अर्पण, तू ही मुझे शक्ति देगा, तू ही निकालेगा, पूर्ण विश्वास है।
और बाहर की जब आप सांस अंदर लें तो सारी सकारात्मकता, सौंदर्य, शक्ति वो अपने अंदर भरें। रिप्लेसिंग द स्ट्रेस विद ब्यूटी, एनर्जी एंड पॉजिटिव थॉट्स। जो भी स्ट्रेस है उसको बाहर निकलता देखें अपने सिस्टम से। यू आर एक्सपेलिंग, आप उसको आप बाहर भेज रहे हो अपने सांस द्वारा। इतनी बड़ी विद्या, इतना बड़ा चीज़ प्रभु ने हमको दिया सांस, जिससे प्राणवायु, नाम ही उसका प्राणवायु है कि आपको नए प्राण देता है, नई शक्ति देता है। ये हमारा हाईएस्ट कंप्यूटर, हमने इसको चलाना ही नहीं सीखा। अब कंप्यूटर में भी तो आप वायरस लगी फाइलें डिलीट कर देते हो, तो यहाँ से क्यों नहीं निकालते, यहाँ क्यों पालने की कोशिश में रहते हो? मैं बताऊँ क्यों, बात कड़वी है ज़रा। हमें मज़ा आता है अपने पे तरस खाने में, अरे हमें इतना स्ट्रेस है, अरे हम इतना काम कर रहे हैं, अरे स्काई इज़ द लिमिट। इतना मैंने देखा बिना खाए पिए कई योगी रहते हैं, बिना सिर्फ दूध पे जिए हैं कई, कई लोग तो बिल्कुल कम सांस लेने के उसमें रहते हैं। तो वो इंसान ही तो है ना, उनका विश्वास है अपने ऊपर, अपनी जो शारीरिक विभूतियाँ प्रभु ने हमको दी हैं, इतनी बड़ी प्राणवायु हम ही पालना चाहते हैं, क्योंकि पिटी मी, कोई और से भी अटेंशन चाहते हैं। अरे मैं डिप्रेशन हो रहा है आजकल। मैं बड़ी हंसी की बात बताऊं, बच्चा ज़रा सा बोलना नहीं सीखा, मैं टेंस हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। हमारे यहाँ तो चार झापट पड़ते थे, क्या बोर हो रहा है, बैठ के लाइनें खींच, कमरा साफ कर, अपनी किताबें देख ले, लेबल लगा ले, ध्यान इधर उधर कर। आजकल नहीं, ओ माई सन ही इज़ इन डिप्रेशन। हम लोग उसको समझते हैं कोई बड़ी भारी चीज़ हो रही है, ये कोई कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमने बड़े बड़े लेबल दे दिए हैं उसको। अब ये ज्ञान हमारा दुश्मन है, इतना हमने अपने को भर लिया इन चीज़ों से कि हम उस पर तौलना शुरू करते हैं और बड़े अपने अहम में आ जाते हैं कि हमको इतना पता है, हमको पता है हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमको पता है हम डिस्टर्ब है। हम उसको एक, हमारे यहाँ एक हीलिंग में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, शेल्टर, कि हम स्ट्रेस का, टेंशन का, डिप्रेशन का, वी टेक शेल्टर ऑफ दीज थिंग। हम इनकी प्रभु की शरण में जाने के बजाय इनकी शरण में जाते हैं और एक एक्सक्यूज़ ले लेते हैं कि अब हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, अब हमें दुनिया में इंटरेस्ट नहीं लग रहा, अब हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। तो हर एक चीज़ का हम उसमें एक छतरी सी लगा के शेल्टर ढूंढ लेते हैं। तो स्ट्रेस का नाम बदल दीजिए। स्ट्रेस के लिए आप अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से कर्म कीजिए। भय है, कुंठा है, उसको निकालिए और रात को संकल्प डालिए कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि कोई चीज़ मुझे तनाव या दबाव में ना लाए और मैं उसी के अनुरूप अपना दिनचर्या को ढालूं। मंत्र चलाएं कोई अंदर, मंत्र अभी मैंने बताया थोड़े दिन पहले कि मंत्र से आप अंदर के सारे विषाक्त तत्व बाहर फेंक सकते हैं, प्रभु से जुड़ सकते हैं और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने इस यंत्र को स्वचालित करने के योग्य हो जाते हैं। तो इन शब्दों को, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करिए, सुंदर शब्दों का प्रयोग करिए। हाँ, मेरा कठिन समय है, मैं इसके लिए ध्यान लगाऊँगा और मैं इससे अवश्य बाहर आऊँगा। ये कोई व्यथित करने वाली वस्तु नहीं है। प्रणाम।